हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर जेल में एक कैदी कोरोना पॉजिटिव, हॉस्पिटल में किया आइसोलेट। जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना ने जैसलमेर की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक जेल में भी एंट्री ले ली है। जैसलमेर जेल में हत्या का एक अपराधी कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को जवाहर अस्पताल में कड़ी सुरक्षा में आइसोलेट कर दिया है तथा नगर परिषद से जैसलमेर जेल को सैनिटाइज करने की मांग की है। जेल प्रशासन ने जेल में परिजनों से मिलने पर पहले से ही रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना ने एंट्री ले ली है। जैसलमेर जेल के जेलर स्वरूप सिंह चारण ने बताया कि जेल में 136 कैदी हैं। इनमें हत्या के एक बंदी को सर्दी जुकाम की शिकायत पर हमने कोरोना की जांच करवाई थी, जो कोरोना पॉजिटिव आई है। कैदी के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद हमने उसको जेल के सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भेज दिया है। अस्पताल में कड़ी सुरक्षा में उसका इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेल को सैनिटाइज करने के लिए नगर परिषद को लिखा जाएगा। जैसलमेर जेल के जेलर स्वरूप सिंह चारण ने बताया कि जेल मुख्यालय के आदेश के अनुसार हमने बंदियों से मुलाकात करने पर पहले से ही रोक लगा रखी है। बंदियों से अब केवल वर्चुअल मुलाकात ही करवाई जा रही है। कोरोना की एंट्री को लेकर उन्होंने बताया कि बाकी किसी भी कैदी में अभी तक कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं, केवल इसी कैदी में सर्दी जुकाम की शिकायत थी। इसके बावजूद भी जेल में सोशल डिस्टेंसिंग आदि कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। जागरूक टीवी की जैसलमेर से खास रिपोर्ट।